हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा है कि बहुत ही स्किन बहुत ही चिपचिपी और बहुत ही ऑयली सी नज़र आ रही है। तो मतलब जब जैसे भी हाथ रखते हैं तो चिपचिपापन सा लगता है, तो उस वजह से मैंने एक फेस पैक तैयार किया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग ट्राई कर सकते हो। और ये फेस पैक आप ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हो, ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हो, सारी स्किन वाले को लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। वैसे तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उन लोग की स्किन और ज़्यादा ऑयली सी नज़र आती है इस सीज़न में, जब भी स्वेटिंग वगैरह होती है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस समय पे उन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली सी होती है, बहुत ही चिपचिपापन, मतलब ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहती है। देखिए, मैंने अपने फेस पर इसको अप्लाई करने के बाद ही मैंने मेकअप किया है उसके बाद, तो आप देख सकते हो कि आपको कुछ तो अंतर नज़र आ रहा होगा। मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ मेरी क्रीम और एक कॉम्पैक्ट रहता है मेरा, तो मैं एज इस डे यूज़ में कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। डेली वेयर में मतलब जब कोई मेकअप का वीडियो बनाना हो या फिर मुझे कहीं जाना हो, तभी मैं बेबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ, वैसे मैं कोई भी क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा फेस एकदम ही इस तरह का ही है, मतलब इसी तरह से ड्राई सा रहता है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हो मेरा फेस, और मतलब बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, ये देखिए बिल्कुल ऑयलीनेस नहीं है। तो आप लोग ये पैक देख सकते हो बनाकर और लाकर, सिर्फ इसमें तीन ही चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, आप लोगों के घर में अवेलेबल ज़रूर होंगी, क्योंकि ये अगर आप फेस पैक वगैरह यूज़ करते रहते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी ही आपके घर पर। तो आप बनाकर देख लीजिएगा, और बहुत ही सिंपल और भी कुछ मिलाना चाहें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं मिलाने के लिए, तो मतलब कुछ भी आप उसमें ऐड कर लीजिए तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब मैंने ये फेस पैक बनाया तो सिर्फ उसी चीज़ के लिए बनाया है कि आपकी वो चीज़ जो आपको लग रहा है ऑयलीनेस ज़्यादा हो रही है, चिपचिपापन ज़्यादा हो रहा है, या मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उससे कैसे उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए ये फेस पैक बहुत ही अच्छा काम करता है। और आपकी स्किन को साथ ही दो काम हो रहे हैं, आपकी स्किन में ग्लो भी प्रोवाइड हो रहा है, आपकी स्किन टाइटन भी बनेगी, ब्राइट भी होगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपकी स्किन पे जो ऑयलीनेस होगा वो भी कम होगा। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इसको बनाया कैसे है और कैसे अप्लाई किया है, और मैं गिव अवे की बात मैं आपसे बाद में करती हूँ फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाए, बिल्कुल फ्री होता है ये, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड, और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर से फेस पैक, और ये फेस पैक आपको स्किन को ग्लोइंग तो करेगा ही आपकी स्किन को, लेकिन आपकी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस रहती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेट, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा मौसम हो रहा है कि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उसके लिए मैंने ये फेस पैक बनाया है। और ये पैक बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको यूज़ करिए। तो मैंने इसमें ले लिया है ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, और ये मैंने लिया है 1 स्पून, और ये फुलर्स अर्थ भी बोलते हैं इसको। तो आप तो जानते ही हैं कि मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और मैं ले रही हूँ सेकेंड, यही है फर्स्ट इंग्रेडिएंट, मतलब मेन इंग्रेडिएंट यही है कि ये मैं ले रही हूँ नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर। तो ये बहुत ही अच्छा मिल्क पाउडर होता है, मतलब कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर लीजिए। तो मैं ये वाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं 1 स्पून ही यूज़ कर रही हूँ, और सिर्फ ज़्यादा चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो मैंने इतना ही डाला है। और मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर, ये है डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर, तो इसके साथ इसको आप अच्छे से मिक्सअप करके और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, क्योंकि आपकी स्किन से ग्लो भी आएगा आपकी स्किन में, और आपकी स्किन में ऑयलीनेस है तो वो भी ऑयल कम हो जाएगा धीरे धीरे। आप इसको 2 से 3 बार आप इसको अप्लाई कर सकते हो वीक में। तो देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स इस पैक में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला हुआ है जो कि आपको घर में अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप फेस पैक वगैरह आप यूज़ करते हैं घर में तो आप इस तरह का पैक ज़रूर बना सकते हो। आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ तो करते ही हैं और मिल्क पाउडर भी आपके घर में आजकल सभी के घर में मिल ही जाता है। तो सिर्फ इसके ही साथ मैंने इसको अप्लाई करना है, बना लिया है और मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। तो और इतना ही थिक रखना है, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हुए हैं क्योंकि इससे ही आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो भी आएगा आपकी स्किन पे और ब्राइटनिंग भी ग्लो आएगा। और आपकी स्किन अगर ऑयलीनेस है, चिपचिपी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रहा है आपका फेस, तो वो भी से कम होगा धीरे धीरे। तो आप इसको 2 से 3 बार आप लगा सकते हो वीक में। तो मैं इसको पहले अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, मैं धुलने के बाद मिलती हूँ आपसे। 20 मिनट्स आपको इस पैक को रखना है, 20 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा पैक अब ड्राई हो गया है, तो ये मैं अब वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए इसको आपको रब करके इसको निकालना है और मैं मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन है और ड्राई बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और आपकी स्किन एकदम मतलब खिचखिची नहीं रहेगी, मतलब जब आप लगाओगे इसको उसके बाद आप निकालेंगे तो एकदम मॉइस्ट रहेगी आपकी स्किन, हाइड्रेट रहेगी, मतलब बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगेगा आपको और चिपचिपी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। थोड़ी देर अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हैं ना तो चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं होगा आपकी स्किन पर। मिलती हूँ मैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है मेरा ये वीडियो कि आप लोगों को कैसा लगा है ये फेस पैक। और अगर आप लोगों को ये फेस पैक अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ये मेरा वीडियो, हेल्पफुल लगा है आप लोगों के लिए, तो उन लोगों को भी हेल्पफुल होना चाहिए ना, तो इसलिए प्लीज़ हेल्प कीजिए उन लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा मेरा ये वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड। और जैसे ही आप हिट करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि गिव अवे पर कि मुझे कैसा लग रहा है। तो आप लोगों का जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिसने भी सब्सक्राइब किया है या जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को धन्यवाद और थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो। अगर पसंद करें या ना करें, मतलब अच्छे लग रहे हूँ या नहीं लग रही, मेरे वीडियोस अच्छे लगे आप लोगों को, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, रीड करने में, और मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ मुझे बहुत। और आप लोगों को जब मैं उसका कमेंट का आंसर देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे बताते रहिए आप लोग किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो, आप प्रोडक्ट रिव्यू देखना चाहते हो या मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे ब्लॉग के बारे में बताइए, या फिर आपको DIYs ज़्यादा शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं DIYs तो यूज़ करती ही हूँ और शेयर भी करती हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो उस और भी ज़्यादा DIYs मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पसंद कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और भर भर कर कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस तरह की वीडियोस देखना है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आपसे। और गिव अवे में मुझे क्या देना है मैं ये डिसाइड कर लूँगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और जैसे ही मेरा 1 मंथ कंप्लीट होगा गिव अवे का, तो मैं आप लोगों को साथ अनाउंस कर दूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा अनाउंस करने में क्योंकि थोड़ा देखना ही पड़ेगा कि कौन विनर है, कितने लोगों को चुनना है, तो टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए पहले से ही मैं बोल देती हूँ कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि मुझे गिव अवे मैंने किया है पार्टिसिपेट और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बॉक्स में पूछ सकते हो कमेंट करके। और कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी चीज़ के लिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट से रिव्यू या किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम के बारे में आप लोग को जानना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगी उस चीज़ को। आप लोगों की जो
जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो आगे इतना ही, अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय बाय।